लगातार खबरों के लिए बेल आइकन दबाइए। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए न्यूज 29 इंडिया को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 29 इंडिया। मैं सान्या जैन, आइए नजर डालते हैं अब तक की खबरों पर। गोरखपुर के अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी से हुई थी 70 बच्चों की मौत। भोपाल में बीआरडी अस्पताल के बर्खास्त शुदा डॉक्टर ने मंत्रियों पर लगाए गंभीर आरोप। भोपाल में संचालित हो रहे हुक्का लाउंज के खिलाफ भाजपा के पूर्व विधायक सुरेंद्र नाथ सिंह ने खोला मोर्चा। कलेक्टोरेट कार्यालय पहुंचकर हुक्का लाउंज को बंद करने के लिए सौंपा ज्ञापन। कमलनाथ सरकार ने सत्ता में आते ही मंत्रियों और अफसरों की सुविधाओं में कटौती करते हुए फिजूल खर्ची पर लगाई रोक। इसकी पहल खुद मुख्यमंत्री कमलनाथ ने की। 2 साल पहले उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी होने से 70 बच्चों की मौत कोई हादसा नहीं, बल्कि वहां के मंत्रियों और जिम्मेदार की बदनीयत और घूसखोरी का नतीजा था। ऑक्सीजन सप्लायर द्वारा लगातार चिट्ठियां लिखने के बावजूद उसको आदेश जारी ना करने के पीछे महज कहानी 10% कमीशन के फेर में अटकी हुई थी, जिसके नतीजे में 70 मासूमों की मौत के रूप में यह हादसा सामने आया। ये बात मंगलवार को बीआरडी हॉस्पिटल के बर्खास्त शुदा डॉक्टर कफिल खान ने कही। अपनी दास्तान राजधानी की मीडिया के सामने सुनाते हुए डॉक्टर कफिल ने कहा कि सरकारी तंत्र गंदी सियासत के उसूलों में किसी को कसूरवार ठहराकर उसे सूली चढ़ाने का रिवाज होता है। इसीलिए सारी कहानी उस शख्स पर थोप दी गई जो ना तो अस्पताल का जिम्मेदार था और ना ही हादसे के समय वह मौजूद था। बावजूद इसके हादसे की खबर के साथ ही उसने पहुंचकर मरीजों की मदद करने के लिए कोई भी कसर नहीं छोड़ी। हादसे के बाद शुरू हुई गंदी सियासत के खेल ने मेरी और परिवार की जिंदगी को तबाह करके रख दिया। डॉक्टर कफील बताते हैं कि मामले की सारी जिम्मेदारी उनके ऊपर ढकेलते हुए उनके खिलाफ FIR दर्ज करवाई गई, जेल भेज दिया गया। 107 गंभीर अपराधियों के बीच उन्हें रहने पर मजबूर किया गया। जमानत के सारे रास्ते भी बंद कर दिए गए। इस सियासी बदले ने के 9 माह जेल में गुजार दिए। डॉक्टर कफिल बताया करते हैं कि पूरे मामले की जांच करने वाले IAS अधिकारी हिमांशु कुमार ने अपनी विस्तृत रिपोर्ट में इस बात का उल्लेख किया है कि डॉक्टर कफिल इस मामले के दोषी नहीं हैं। बावजूद इसके उन्हें दोषी माना जा रहा है और प्रताड़ित करने का कोई मौका नहीं छोड़ा जा रहा। यहां तक डॉक्टर कफील के भाई को ऐसे स्थान पर गोलियों से मार दिया गया जहां महज 500 मीटर की दूरी पर मुख्यमंत्री खुद थे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 29 इंडिया। राजधानी भोपाल में संचालित हो रहे हुक्का लाउंज के खिलाफ अब भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक सुरेंद्र नाथ सिंह ने मोर्चा खोल दिया है। मंगलवार को शहर के कलेक्टोरेट कार्यालय पहुंचकर उन्होंने हुक्का लाउंज को बंद करने के लिए ज्ञापन सौंपा। इस मौके पर भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के पूर्व जिलाध्यक्ष अब्दुल सलीम और अन्य भाजपा कार्यकर्ता मौजूद थे। पूर्व बीजेपी विधायक सुरेंद्र नाथ सिंह ने इस दौरान जानकारी देते हुए बताया कि कलेक्टर को ज्ञापन देकर 1 सप्ताह में हुक्का लाउंज पर कार्रवाई करने का अल्टीमेटम दिया गया है। यदि कलेक्टर के स्तर पर कार्रवाई नहीं हुई तो भाजपा मुख्यमंत्री और राज्यपाल को ज्ञापन देकर कार्रवाई की मांग की जाएगी। इसके बावजूद भी सुनवाई नहीं हुई तो बीजेपी ने जन आंदोलन की चेतावनी दी है। उनका आरोप है कि कम उम्र के बच्चों को हुक्का लाउंज में नशा परोसा जाता है। इस बच्चों पर बाहरी असामाजिक तत्वों की नजर रहती है और उनके संपर्क होने के बाद बच्चे बिगड़ जाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 29 इंडिया। भारतीय जो बात है उसकी कार्रवाई करेगा। हम प्रधानमंत्री जी को लिखेंगे कि ठीक है भाई, कमलनाथ जी की सरकार को अपना बताने के लिए सब काम करें, लेकिन जो प्रशासनिक अधिकारी जो राष्ट्रीय होते हैं उनको ये समझना चाहिए कि उसके सभी काम अगर वो करेंगे तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी और उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर हम धार्मिक विभाग से और प्रधानमंत्री जी को दिल्ली में ज्ञापन देंगे। हम मध्य प्रदेश सरकार पर कर्ज का भारी बोझ है, जिस कारण कमलनाथ सरकार ने सत्ता में आते ही मंत्रियों और अफसरों की सुविधाओं में कटौती करते हुए फिजूल खर्ची पर रोक लगा दी है। इसकी पहल खुद मुख्यमंत्री कमलनाथ ने की है। वे विमान में अपनी निजी खर्च से यात्रा करते हैं। ये बात मंगलवार को जनसंपर्क मंत्री PC शर्मा ने कही। मामले में पूर्व की भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री कमलनाथ फिजूल खर्ची को रोक रहे हैं। वे अपने निजी हेलीकॉप्टर और विमान का उपयोग कर रहे हैं जिसका वे किराया तक नहीं ले रहे हैं। वहीं पूर्व की बीजेपी सरकार ने किराए के नाम पर करोड़ों अरबों रुपए खर्च कर दिए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 29 इंडिया। जो कांग्रेस ने वचन दिया था विधान परिषद गठन को लेकर, उसको लेकर आज बड़ी बैठक है। निश्चित तौर पर
मुख्यमंत्री जी ने अध्यक्ष के रूप में विधानसभा के पहले ये वचन दिया था कि मध्य प्रदेश में विधान परिषद भी बनेगी जिसमें 75 सदस्य होंगे और क्या क्या इसमें खर्चा आएगा इस मामले में बैठक है। ये पूरी प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया में अभी ये सब चीज़ें मंत्रिमंडल में, फिर विधानसभा में और फिर दिल्ली की सरकार तक जाएगी। इसकी प्रक्रिया एक तरह से शुरू हो गई है और मुख्यमंत्री जी ने ये सिद्ध कर दिया है कि वचन के मामले में पक्के हैं, क्योंकि विधान परिषद बड़ा मामला है। कुल मिला के 7-8 राज्यों में है 31 में से, और कहीं से भी उसके फंड्स की इंतजाम होगा और वो करेंगे। ये चीज़ आज की बैठक का मतलब है, ये सब चीज़ें सिद्ध हो रही हैं। सर, कांतिलाल भूरिया को पीसीसी चीफ बनाने की मांग सज्जन सिंह वर्मा जी ने की। सज्जन सिंह वर्मा जी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और मंत्री हैं और निश्चित तौर पर उन्होंने अपनी ये बात कही है, पर आज अभी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ जी, जिन्होंने मध्य प्रदेश की 2018 का विधानसभा चुनाव भी जिताया और अभी जो झाबुआ का चुनाव हुआ है वो भी 28,000 से जीते हैं, तो अभी वो अध्यक्ष हैं। सर, आप किसे देखते हैं, कौन बेहतर संगठन को मजबूत करने वाला और पीसीसी की बेहतर हो सकता है? अभी तो कमलनाथ जी बहुत मजबूत कर रहे हैं हर तरफ से। 30 और 31 अक्टूबर को शिक्षा विभाग का एक बड़ा सेमिनार भी होने जा रहा है, देश के शिक्षा बहुत चीज़ें हो रही हैं। अभी शिक्षा पे सेमिनार भी हो रहा है और राइट टू हेल्थ पे 2 दिन की कॉन्फ्रेंस है और स्थापना दिवस भी 1 तारीख को आ रहा है, तो एक के बाद एक सब बड़ी चीज़ें मध्य प्रदेश में हो रही हैं। और इन सब का उद्देश्य जो पूरा हुआ है, जो एक वचन पत्र की बातें भी हैं और जो मुख्यमंत्री जी का जो एक विज़न है, उस विज़न को जमीन पे लेके आना, वो सबके लिए एक एक चीज़ का मंथन हो रहा है और मंथन के बाद ये सब चीज़ें जब जमीन पे आएंगी तो ये मान के चलिए कि नक्शा मध्य प्रदेश का पूरी तरह से बदल जाएगा। सर, सरकार बनी हुई 9 से 10 माह हो गए, निगम मंडलों में सर नियुक्ति नहीं हुई, कब होंगी निगम मंडलों में नियुक्ति? आप दो अपना नाम किसका देना है? सर, यह ये सब मुख्यमंत्री जी का वो है और जब 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 वो ठीक समझेंगे, जब हाईकमांड ठीक समझेगा, जब मुख्यमंत्री जी समझेंगे कि इस चीज़ को अब करना है कहाँ किसको, क्योंकि ये लंबी प्रक्रिया है, किसको कहाँ बिठाना है, ये सब एक उनके उसमें है मंथन में, सोच में, जब भी जो सही समय होगा उस समय वो हो जाएगा। चलिए, अभी है जब तक सीएम कमलनाथ अपने निजी विमान से यात्राएं कर रहे हैं, सरकारी विमान को नहीं यूज कर रहे हैं। ये मध्य प्रदेश की विधानसभा के चुनाव हुए 2018 में, उसके पहले से ही वो अपने निजी विमान में घूमते रहे, बाकी लोग शासकीय विमानों को घूमते रहे जो सरकार में थे, और यही खूबी है मुख्यमंत्री जी की, वो उनके पास ये सब चीज़ें हैं, जब मौका आता है तो अपने निजी हेलीकॉप्टर निजी विमान से घूमते हैं और किराए पे नहीं लेते, जो पिछली सरकार के लोग किराए पता नहीं करोड़ों अरबों रुपए किराए में दे दिया गया, वो किराया मध्य प्रदेश की जनता का पैसा उसमें खर्च नहीं करते। और दूसरा ये है कि जो विमान है वो गड़बड़ है, हेलीकॉप्टर गड़बड़ है, इस सब चीज़ों का ध्यान रखा नहीं गया पिछली सरकार के द्वारा, पर हम इसके निर्णय ले लिए गए कि इनको बेच के कोई नया छोटा, अभी ज़्यादा सीटर का है, छोटा विमान ले लिया जाए, हेलीकॉप्टर नया ले लिया जाए, जिससे सरकार के काम चलते रहें जहाँ भी आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि चीफ सेक्रेटरी भी हैं और भी लोगों को जाना आना होता, तो ये सब निर्णय हो चुके हैं और नया लेने की प्रक्रिया में है। लेकिन सर, असुरक्षित तो विमान है और उसमें राज्यपाल और दूसरे मंत्री तो घूम रहे हैं? नहीं, अभी तो किसी को परमिशन नहीं दी जा रही है उसको। मुख्यमंत्री ने किराया भी नहीं लिया अपने प्राइवेट प्लेन का कोई? मुख्यमंत्री जी न किराए पे लेते विमान, न किराया लेते किसी तरह का कोई। क्या फिजूल खर्ची रोकने के लिए नेताओं को भी, मंत्रियों को भी एक नसीहत है, जिस तरीके से मुख्यमंत्री कमलनाथ अपने खर्चे पे घूम रहे, तो क्या मंत्रियों को भी नसीहत है इससे? एक किस मामले में कि फिजूल खर्ची वो रोक रहे हैं एक तरीके से? फिजूल खर्ची का तो मुख्यमंत्री जी के आदेश है, किसी तरह की भी फिजूल खर्ची
खर्ची किसी तरह भी शासन के पैसे का दुरुपयोग ये नहीं होना चाहिए, ये स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन है उनके। मंत्री अपनी गाड़ी में घूमना चालू करेंगे? मंत्री अपनी गाड़ी में घूमना चालू जो चाहे घूम सकता है, कौन रोकेगा उनको? सर, ये विधायकों के लिए जो नया परिसर बन रहा है विधानसभा के पास, उसको लेकर आपत्तियां उठ रही हैं कि नहीं? मैं समझता हूँ कि आपत्ति नहीं उठना चाहिए। आपत्ति इसलिए नहीं उठना चाहिए कि अगर आपको ध्यान हो तो मुख्यमंत्री जी ने उसी परिसर में उनके साथ मंत्रियों ने विधायकों ने वहाँ बहुत से वृक्ष लगाए थे, और केवल 250 वृक्ष पर इतनी बात हो रही है जबकि उससे ज़्यादा वृक्ष वहाँ लगा दिए गए। और जो विधायक परिसर है वो मंत्रालय के पास हो और विधानसभा के पास हो, जिससे जो बाहर से विधायक आते हैं उसमें रुकते हैं उनको दिक्कत नहीं हो। ये एक्चुअली उसका पूरा कंसेप्ट है, और मैं समझता हूँ कि इसमें पहले भी विधानसभा के पास ये बने, तो विधानसभा जो जगह अवेलेबल है उसमें ये परिसर बन रहा है, जिससे उनके जो काम निपटाना है, चाहे विधानसभा के निपटाना हो चाहे मंत्रालय के, तो बाहर के विधायक उसको आसानी से निपटा सके। सर, भारतीय जनता पार्टी पूर्व मंत्रियों की टीम उतार रही है आपकी सरकार को घेरने के लिए, पूर्व मंत्रियों की टीम उतार रही है आपकी सरकार को घेरने के लिए। ये पूरे मंत्री अगर उस समय ही कुछ ठीक ठाक कर लेते तो ये सब स्थिति उनकी नहीं होती, और ये विधानसभा में भी घेर चुके हैं और अभी झाबुआ में घेरने की कोशिश की थी, और जितना घेरने की कोशिश कर रहे हैं उतना ही कमलनाथ जी की सरकार स्ट्रांग हो रही है। सर, ये विधान परिषद वाला हमारा छूट गया था, विधान परिषद का, विधान परिषद के गठन का मुख्यमंत्री जी ने अध्यक्ष के रूप में वचन पत्र में इस चीज को किया था, और एक बड़ा मामला है विधान परिषद, कोई छोटा मामला नहीं है। हिंदुस्तान की 31 में से केवल 7-8 विधान स्टेट्स में विधान परिषद है, काफ़ी इसमें खर्चा भी है, लेकिन मध्य प्रदेश में इसका जो भवन है, जो आवश्यकता है वो बना हुआ है, पूरा सेटअप यहाँ पर है। केवल खर्चे की बात आती तो जो MLC बनेंगे उनका और बाकी थोड़ा सा उसका खर्चा आना है, तो मैं समझता हूँ कि उस चीज़ पर आज मंथन मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं सभी विभागों से, और ये आगे चल के चीज़ें मंत्रिमंडल में, विधानसभा में, और फिर ये दिल्ली तक अप्रूवल के लिए जाएगी। तो ये एक प्रक्रिया उन्होंने शुरू कर दी, और ये बता दिया है कि सब जितने भी वचन पत्र हैं, ये बड़ा वचन है, ये वचन पत्र में जितनी भी चीज़ें हैं एक एक करके 5 साल, अभी 7-8 महीने हुए हैं, पूरे 5 साल हैं जिसमें वचन पत्र को बिल्कुल खंगाल के कि कोई चीज़ बचे नहीं, वो पूरा करेंगे मुख्यमंत्री जी, ये एक संदेश है। कांतिलाल पुरिया की भूमिका क्या होगी संगठन में, सत्ता में? कांतिलाल जी बहुत ही सीनियर नेता हैं, सभी पदों, केंद्र में भी रह चुके हैं, मध्य प्रदेश में रह चुके हैं, अध्यक्ष भी रह चुके हैं, तो उनके मार्गदर्शन हम जैसे छोटे कार्यकर्ताओं को हमेशा मिलता रहेगा। राजधानी भोपाल के भदवदा इलाके में खुली सड़क पर मगर के पाए जाने से सनसनी फैल गई। मिली जानकारी के अनुसार भदवदा के पास देर रात रहवासियों ने सड़क पर मगर घूमता देखा था। इसके बाद लोगों ने वन विभाग के अमले को सूचना दी, लेकिन वन अमले की टीम मौके पर नहीं पहुंची, इस कारण लोगों को पूरी रात दहशत में गुजारना पड़ी। ब्यूरो रिपोर्ट, News 29 इंडिया। आए दिन दुख मुसीबतों का सामना करने वाले पत्रकारों और वीडियो जर्नलिस्ट को समय पर शासन प्रशासन से कोई राहत नहीं मिल रही। इसी से आहत होकर अब विभिन्न चैनलों के पदस्थ शहर के नौजवान वीडियो जर्नलिस्टों ने अपनी साथियों की मदद के लिए एक समिति का गठन कर मदद करने की पहल को शुरू किया है। वीडियो कैमरामैनों ने समिति को वीडियो जर्नलिस्ट वेलफेयर एसोसिएशन का नाम देकर मदद देने की शुरुआत भी कर दी। समिति ने हार्ट अटैक से पीड़ित एक निजी चैनल के कैमरामैन उमेश यादव के लिए 10,000 रुपए की रकम जमा कर उनकी आर्थिक मदद की है। समिति का अध्यक्ष सुशील कुमार यादव, उपाध्यक्ष सैयद खान और सचिव उवेश मंसूरी को बनाया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, News 29 इंडिया। भोपाल के वीडियो जर्नलिस्ट अपने साथियों के साथ हमेशा तत्पर हैं, तैयार हैं। भले ही सरकार और संस्थाएं हमारा साथ दें या नहीं दें, लेकिन भोपाल वीडियो जर्नलिस्ट एसोसिएशन हमेशा कैमरामैनों, वीडियो जर्नलिस्टों के साथ हमेशा साथ देगी और साथ ही रहेगी। सभी वीडियो जर्नलिस्टों का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ, जिसने बुरे वक्त में अपने साथी की मदद की। मैं आशा और विश्वास दिलाता हूँ ऐसी मदद हमेशा
आप लोग करते रहें और ऐसे ही अपन एक दूसरे का साथ निभाते जाएं। शुक्रिया आप सब लोगों का। राजधानी के शाहपुरा थाना क्षेत्र स्थित लक्ष्मी परिसर के पास स्मैक रेस्टोरेंट में कर्मचारियों और लंच पर आए लोगों में मारपीट हो गई। लंच पर आए राजधानी के एक नामी बिल्डर, उनके साथी और परिवार ने ऑर्डर देने के काफी देर बाद भी खाना सर्व नहीं करने पर हंगामा किया, किचन के मैनेजर से मारपीट की। इसके जवाब में रेस्टोरेंट कर्मचारियों ने भी हाथापाई की। मिली जानकारी के अनुसार राजधानी का एक बड़ा बिल्डर परिवार और दोस्तों के साथ स्मैक रेस्टोरेंट के लंच के लिए पहुंचा था। खाने का ऑर्डर देने के बाद सभी लोग गपशप करने में मशगूल हो गए। ऑर्डर देने के 40 मिनट बाद भी खाना सर्व नहीं होने पर बिल्डर और उनके साथियों का सब्र जवाब दे गया। सभी ने हंगामा शुरू कर दिया। महिलाएं भी पीछे नहीं रहीं। बिल्डर के साथ आए एक व्यक्ति ने कांच की बोतल फोड़कर रेस्टोरेंट के कर्मचारी पर हमला कर दिया। हंगामा करते हुए सभी लोग रेस्टोरेंट के किचन में पहुंचे। बिल्डर के परिवार के एक युवक ने किचन के मैनेजर से मारपीट शुरू कर दी। अपने मैनेजर को पिटता देख कुक ने तंदूर से रोटी निकालने वाली रॉड से बिल्डर और उसके साथ आए साथियों को पीट दिया। दूसरे कर्मचारी भी आकर मारपीट करने लगे। होटल में मौजूद अन्य लोगों ने मामला शांत कराने की कोशिश की, लेकिन हंगामा काफी देर तक होता रहा। पुलिस ने दोनों पक्षों की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया है और रेस्टोरेंट के सीसीटीवी फुटेज आधार पर कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 29 इंडिया। भोपाल के सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया परिसर में सतर्कता जागरूकता सप्ताह का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम में सर्वप्रथम समस्त स्टाफ एवं अधिकारियों द्वारा शपथ ग्रहण की गई। इस अवसर पर ईओडब्ल्यू के एडीजी अफजल खान ने मौजूद लोगों को अपनी जीवन शैली से लेकर बैंक के कार्यकलापों के मध्य किस तरह ईमानदारी एवं सत्यनिष्ठा से अपने कार्य का संपादन किया जाए के जीवंत उदाहरण देकर संबोधित किया गया। इस अवसर पर बैंक के फील्ड महाप्रबंधक एसडी माहुरकर, सेंट बैंक होम फाइनेंस लिमिटेड के प्रबंधक संचालन टुंडवाल, बैंक के भोपाल क्षेत्र के क्षेत्रीय प्रबंधक बीएन सिंह एवं सेंट्रल बैंक अधिकारी प्रशिक्षण महाविद्यालय भोपाल के वरिष्ठ संकाय सदस्य भी उपस्थित रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 29 इंडिया। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। लगातार खबरों के लिए बने रहिए न्यूज 29 इंडिया के साथ। एक देश सारे प्रदेश।